measurement and evaluation in sports is test measurement and evaluation in sports so let's see what all are there in the chapters so the first topic in the chapter is define test measurement and evaluation importance of test measurement and evaluation in sports then calculation of bmi and waist hip ratio so under which endomorphy, mesomorphy, and ectomorphy is there and at last we have measurement of health related fitness सो so, अगर हम एक एक करके टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक इज डिफाइंड टेस्ट टेस्ट क्या है टेस्ट मे बी कॉल्ड एज अ टूल अ क्वेश्चन और अ सेट ऑफ क्वेश्चन एन एग्जामिनेशन विच इज़ यूज टू मेजर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ़ इंडिविजुअल टेस्ट वो टूल है इट कैन बी अ क्वेश्चन एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है और एक एग्जामिनेशन हो सकता है जिससे कि हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का पता करते हैं किसी इंडिविजुअल का और किसी एक ग्रुप का टेस्ट जो है सो एक क्वेश्चनिंग का फॉर्म हो सकता है एक टूल हो सकता है मेजर करने का जिससे हम किसी के नॉलेज एटीट्यूड एंड फिटनेस का पता करते हैं इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी यूज्ड टू एक्मुलेट डेटा ऑन अ पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क कोई एक स्पेसिफिक टास्क कोई एक इंसान किस तरीके से कर सकता उसकी है उसकी कितनी एबिलिटी है उसकी कैपेबिलिटी है इसके लिए जो है सो टेस्ट यूज करता है देन कमिंग ऑन टू मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन एक्टिव्यूट ऑफ इंटरेस्ट डेटा कलेक्ट करने को वी इट मेजरमेंट एंड मेजरमेंट हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होती है इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और द इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट जजमेंट करने के लिए जो रिकॉर्ड चाहिए होता है किसी के परफॉर्मेंस का दैट इज टम डेज मेजरमेंट मेजरमेंट इज एन एक्ट पर प्रोसेस दैट इन्वाल्वस द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज टू वट एवर इज बींग टेस्टेड सो इट इन्वाल्वस द क्वान्टी ऑफ समथिंग मेजरमेंट कैसा होता है वो हमेशा क्वान्टिटेटिव होता है इट इज नॉट क्वालिटेटिव इट्स क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना किसी भी जिसको हमने टेस्ट किया है उसका सो so इसकी क्वांटिटी का पता चल जाता है हमको एंड लेस्ट मेजरमेंट जो होता है कि स्पेसिफिक स्कोर ऑप्टेंड होता है मेजरमेंट जो है सो so, कितना स्कोर उसने ऑप्टेंट किया है एंड दैट ऑल्सो थ्रू एन एक्सपर्ट इवेलुएसन मेजरमेंट से हम किसी के परफॉर्मेंस का फिटनेस लेवल का उसके एबिलिटी के नॉलेज का उसकी पर्सनैलिटी का उसके ट्रेड्स एंड स्किल का जो है सो so, मेजर किया जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट का टू पार्ट्स है इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट असाइंड बाय एक्सपर्ट्स जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा प्रूवेबल होना चाहिए यानी एकदम परफेक्ट होना चाहिए जिसका शॉर्ट फॉर्म प्रूवेबल है पी स्टैंड फॉर प्रिसाइज आर इज फॉर रिलाइएबल ओ इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव बी इज़ फॉर वैलिड ए इज़ फॉर एक्यूरेट बी इज़ फॉर बाउंड एल इज़ फॉर लीड एंड ई इज़ फॉर एक्सपर्टीज होना चाहिए मीन्स प्रिसाइज रिलाईबल ऑब्जेक्टिव वैलिड एक्यूरेट बाउंड लीड एंड एक्सपर्टीज इन तो मेजरमेंट किसी का भी ऐसा प्रोवेबल होना चाहिए कमिंग ऑन टू इवेल्यूशन इवेल्यूशन क्या होता है टेक्निक तो बाई विच वी कम टू तो नो एट वट एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव आर बिंग अचीव्ड ये एक टेक्निक होता है जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसने हमने कहाँ तक अचीव किया है इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वाल्वस कलेक्शन ऑफ डेटा फ्राम द प्रोडक्ट्स विच कैन भी यूज फॉर कम्पेरिजन विथ प्री कंसिव क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट जजमेंट बनाने के लिए एक डेटा कलेक्ट जो किया था हमने तो उस डेटा कलेक्शन के बाद जो हमको पता चलता है जिससे हम कम्पेयर करते हैं कि हमको क्या चाहिए था कितना मिला या हमको कहाँ होना चाहिए था अभी हम कहाँ पर हैं कितने मार्क्स आने चाहिए थे कितने आए तो दैट इज़ टर्म्ड एज इवेल्युएसन देन इम्पॉर्टेंस क्या है टेस्ट मेजरमेंट इवेलूएसन का तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको नॉलेज चाहिए आपके प्रोग्रेस का तो आपको इन चीज़ों तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी टेस्ट मेजरमेंट ईवेल्यूशन का एक अच्छा प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन की जरूरत पड़ती है देन एक इंसान की कैपेसिटी और एबिलिटी को जानना है तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसी की नीड्स चाहिए आपको पार्टिसिपेंट की क्या नीड है उसके लिए भी मुझे टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन की जरूरत पड़ेगी किसी को मोटिवेट करना है इससे आप पता चल सकता है उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस कितना था अभी कितना परफॉर्मेंस है उसके बेस पर आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स को क्लासीफाई करने के लिए टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन चाहिए अचीवमेंट फ्यूचर में जानने के लिए भी ऑल्सो हमको चाहिए कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स होगा तो हम फ्यूचर अचीवमेंट्स को जान पाएंगे देन फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन हमेशा रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए चाहिए इसके बाद ही जो है सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप होती है डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग ट्रेनिंग डेवलप होती है तो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन में भी ये काम आता है देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ इसके इंपॉर्टेंस में सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स हम किसी एथलीट के सिलेक्शन के लिए टेस्ट मेजरमेंट डिवेक्शन की जरूरत पड़ती है जिसमें हम उनको टेस्ट करते हैं एवेलुएट करते हैं देन मेजर करते हैं एक इंडिविजुअल गेम क्लासिफाई करने के लिए हमको ये तीनों चीज़ों की टूल की जरूरत पड़ती है जिसमें कि जेंडर के हिसाब से एज के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से हाइट के हिसाब से इंटरेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस के हिसाब से हम गेम डेवलप करते हैं और गेम क्लासिफाई करते हैं उसके लिए टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन चाहिए होता है एक एथलीट की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं इसको पता करने के लिए भी हमको टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन चाहिए होगा क्योंकि जब हम उसका टेस्ट लेंगे उसका मेजरमेंट करेंगे इवेल्यूशन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है उसका मस्कुलर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं देन हम इंडिविजुअली फोकसड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं स्पोर्ट्स में उसके लिए टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्यूशन चाहिए होता है जिससे कि हम जो इंडिविजुअल एथलीट होते हैं उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम कर सकते हैं देन एथलीट को मोटिवेट करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा जरूरत होता है कि वो जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो उसके इंटरेस्ट में क्रिएट हो रहा है कि नहीं इसके लिए भी इन तीनों चीज़ों की चाहिए देन फ्यूचर पोटेंशियल कितना है उसके अंदर ये भी डिपेक्ट करने के लिए हम जो है सो टेस्ट मेजरमेंट एवेलेसन की यूज़ करते हैं देन एक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इतना नॉर्म्स होगा इतना मिनिमम होना चाहिए इतना मैक्सिमम होना चाहिए इन सब के लिए भी जो है सो टेस्ट मेजरमेंट एवेलेसन चाहिए देन करेंट फिटनेस स्टेटस क्या है वो हम पास्ट को देखकर जो है सो प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस का आइडिया लगाते हैं कि पिछले में सपोज मैंने जो है सो so, पाँच मीटर जंप कर रहा था क्या अभी मैं ज़्यादा जंप कर रहा हूँ मेरी पिछले बार जो है सो फिटनेस बहुत अच्छी थी मेरी वेट कम थी बराबर था मेरा वेट हेल्दी वेट था अभी मेरा हेल्थ कितना है तो इन सब के लिए भी ज़रूरत पड़ती है रिसर्च के लिए चाहिए मेनटरी पार्ट होती है स्पोर्ट्स फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में कि प्रोमोशन के लिए चाहिए होता है हमको कि हम आगे क्या टेक्निक में चेंजेस ला सकते हैं इसके लिए टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूसन चाहिए ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को अचीव करने के लिए जो कोचो कोचेस होते हैं ट्रेनर्स होते हैं वो जब भी कोचिंग सेशन करवाते हैं ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं तो वो फिक्स टारगेट लेते हैं उसको पूरा करने के लिए भी हमको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दे नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ बी एम आई एंड वेस्टिप रेशियो बी एम आई एंड वेस्ट हिप रेशियो सबसे पहले बी एम आई देख लेते हैं बी एम आई को क्वेटलाइट इंडेक्स बोला जाता है ये एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट होता है किसी की ओबीसी को जानने के लिए उसकी बॉडी मास इंडेक्स को जानने के लिए जो है सो so, एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट होती है जिसके लिए सिर्फ हाइट और वेट की जरूरत पड़ती है ये मोस्ट वाइडली यूज टूल है टू आइडेंटिफाई वेट प्रॉब्लम ईजी टू मेजर होता है इवेल्यूएट आसान से हो जाता है और एक इंडिविजुअल को अपने हेल्थ स्टेटस का पता चलता है अगर आप देख पा रहे होंगे तो कैलकुलेशन ऑफ बी एम एंड वेस्टिपले के लिए बॉडी वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन हाइट इन टू हाइट मीन्स हाइट स्क्वायर सो बॉडी वेट शुड बी इन के जी हाइट शुड बी इन मीटर ये हम जब डिव, डिव, डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है उसमें हम देखते हैं कि अगर 18.5 से बिलो किसी की बीएमआई आ रही है तो ईज अंडर वेट एटीन पॉइंट टू ट्वेंटी है तो नॉर्मल वेट आता है 25 से ट्वेंटी है तो इट्स ओवर वेट मीन स्टिल इट कैन बी कंट्रोल्ड बट वन इट मूव्स टू मोर देन थर्टी टिल फोर्टी इज ओबिस क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री थर्टी टू थर्टी इज क्लास वन थर्टी थर्टी पॉइंट नाइन इज क्लास टू एंड एवर फोर्टी इज क्लास दिस कम्स द डिजीज इन इंडिविजुअल्स देन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मेजरमेंट करते वक्त कि रिलायबल वेइंग मशीन आपने यूज़ किया है वेट कर रहे थे तो हैवी क्लोथ तो नहीं पहने हुए हैं हाइट लेते वक्त जो है सो बेयर फुटेड है स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है ये सब चीज़ें हमको खास ध्यान रखनी पड़ती है मेजरमेंट के वक्त पे देन नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू एच आर डब्ल्यू एच आर इज वेस्ट हिप रेशियो इसमें लिए क्या करते हैं हम वेस्ट सरकमफ्रेंस निकालते हैं डिवाइडेड बाई हिप सरकम्फ्रेंस यानी वेस्ट सरकमफ्रेंस निकाला जाता है और हिप्स की मेजरमेंट की जाती है देन उसको डिवाइड किया जाता है वेस्ट सरकमफ्रेंस बाई हिप सरकमफ्रेंस और आप देख पा रहे यहाँ पे जो है सो so, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है अगर फीमेल है तो जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव से बिलो अगर है तो इट्स एक्सीलेंट सेवेंटी फाइव टू एट्टी इज़ गुड एट्टी टू एटी फाइव इज़ एवरेज देन एटी फाइव टू नाइन्टी इज़ हाई एंड नाइन्टी अबव नाइन जीरो पॉइंट नाइन्टी इज़ एक्सट्रीम ऐसी मेल का भी दिया हुआ है जीरो पॉइंट एट फाइव तक होता है तो एक्सीलेंट है एट जीरो पॉइंट एट फाइव टू जीरो पॉइंट नाइन्टी एट टू गुड है इस तरीके से एवरेज हाई और एक्सट्रीम का भी दिया हुआ है सो डिस डब्ल्यू एच आर इससे जो है सो पता चल जाता है हमारी बॉडी में कितना फैट स्टोर है हम वेट ज़्यादा तो नहीं है हमारा ये उससे पता चलता है एंड लास्ट जो मेजरमेंट का तरीका है दैट इज स्किन फोल्ड मेजरमेंट स्किन फोल्ड मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट जो है सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ कैलीपर इसको थ्री साइड भी बोला जाता है थ्री साइड स्किन फोल्ड मेजर स्किन फोल्ड करने के लिए जो है सो आपको एक स्किन फोल्ड का जो कैलीपर होता है वो यूज़ किया जाता है और जो कैलीपर होता है उससे जो है सो थ्री पोजीशंस होती है मेंस में चेस्ट एब्डोमेन एंड थाई में और वमेन्स में जो है सो ट्राइसेप्स सुप्रेलिया लिया के थाई में लिया जाता है देन तो वहाँ पे जो है so, सो कैलीपर लगा कर वहाँ मेजर किया जाता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट स्टोर है उससे फैट परसेंटेज का पता चल जाता है इससे पता चलता है कि आपकी वेट कंट्रोल्ड है या नहीं सो स्किन फोल्ड मेजर जिसको कि थ्री साइड स्किन फोल्ड मेजर भी बोला जाता है सो दिस इज़ द थर्ड वे टू नो देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आते हैं हम सोमेटो टाइप्स पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली ये टॉपिक जो है सो साइकोलॉजी का है सोमेटो टाइप जो है सो वर्ड यूज़ किया गया था डब्ल्यू एस सेल्डन ने विलियम सेल्डन हु आज अ साइकोलॉजिस्ट हु डिवोटेड इज़ लाइफ इन ऑब्जर्विंग द वैराटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ उन्होंने जो है सो ह्यूमन बॉडीज और उसके टेम्परामेंट्स को स्टडी करने के लिए पूरी लाइफ लगा दी थी एटीन नाइन्टी एट टू नाइनटीन सेवेंटी सेवन सोमेटो टाइप होती है किसी की फिजिक और उसकी जो त, जो उसकी साथ ही साथ में जो है उसका टेम्परामेंट कैसा है बॉडी का इन सब के लिए जो है सोमैटो टाइप नाम दिया गया 1940 में डब्ल्यू एस एल डन डेवलप्ड थ्योरी थ्योरी विच से देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी एंडोमॉर्फ मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ सोमेटो टाइप में जैसे मैंने आपको बताया तीन टाइप की बॉडी होती है एंडोमॉर्फ मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ वन बाई वन हम बॉडी टाइप देख लेते हैं और इन बॉडी टाइप्स को जो है सोमेटो टाइप बोला जाता है तो so, सबसे पहले एंडोमॉर्फ देख लेते हैं एंडोमॉर्फ के लोग कैसे होते हैं देखते हैं एंडोमॉर्फ के लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सो so, बहुत अच्छी होती है एंड हार्ड फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं दे हैव लार्ज राउंड हेड विथ ब्रॉड फेस एंड स्मॉल ईयर्स राउंड हेड होती है लार्ज राउंड हेड ब्रॉड फेस होती है स्मॉल ईयर्स होती है उनके पाम ब्रॉड होंगे फिंगर शॉर्ट होती है हेयरी टाइप स्किन होती है उन लोग फर्स्ट एक्ट करते हैं देन थिंक आफ्टरवर्ड्स दे आर लेस सिक्रेटिव एंड फंड ऑफ मेकिंग स्पीचेस इन पब्लिक प्लेसेस वेरी सोशल एंड दे आर लाइक सोशल गैदरिंग्स रेडी टू हेल्प द पीपल वन दे आर इन ट्रबल वो रिलैक्स मूड में रहते हैं ज्यादा छोटी छोटी बातों पे उनको इरिटेशन भी फील नहीं होता है दे है बटरफ्लाई टेंडेंसी एंड कैन नॉट स्टिक वो एक जगह पर रुक नहीं सकते हैं कभी यहाँ कभी यहां कभी यहाँ दे विल फ्लाई लाइक बटरफ्लाई एवरीवेयर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उनको हैवी वेट लिफ्टिंग जो होती है पावर लिफ्टिंग होती है रेस्लिंग होता है थ्रोइंग इवेंट्स और कुछ कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में भी ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे सो दिस आर द ऑफ एंडोमॉर्फ कमिंग ऑन टू मेसोमर्फ मेसोमर्फ जो होता है मीडियम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉन एथलेटिक टाइप पर्सन ये एथलेटिक टाइप पर्सन होते हैं दे आर हैवी हार्ड एंड लार्ज बोन्स उनके जो बोन्स होती है बहुत हैवी एंड हार्ड होती है देआर नेक इज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग शोल्डर्स आर लॉन्ग शोल्डर्स आर ब्रॉड नेक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होती है शोल्डर्स जो ब्रॉड ब्रॉड होती है स्किन उनकी रफ देखने को मिलेगी आपके देन दे आर ऑलवेज डोमिनेंट जो मेसोमर्फ होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं एसर्टिव होते हैं एनर्जेटिक होते हैं एंड दे ऑलवेज लव टू टेक रिस्क बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं and whenever they face any problem they take action quickly they don't wait they are clear minded and kisi किसी भी काम में वो clear show karte करते हैं they show शो in any kind of work next is ectomorph ectomorph एक्टोमर्फ के अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दे है पोअर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप एक्टोमर्फ की बॉडी देख पा रहे तो पतले दुबले जो बॉडी होती है दे कम्स अंडर ectomorph एक्टोमर्फ जो होते हैं सो पोअर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है एनर्जी आउटपुट वेरी लेस होती है उनके अंदर उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो भी डेलीकेट होती है उनकी फेस स्मॉल होती है नोज जो है शार्प होता है लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग आर्म देखने को मिलेगा आपको हैंड्स स्मॉल होंगे बट फिंगर बहुत लॉन्ग होती है दे हैव टॉल देव है वो बहुत लंबे तो होंगे बट वाइटल कैपेसिटी बहुत पोअर होती है स्किन उनकी सॉफ्ट होगी बट हेयरी ग्रोथ ज़्यादा होगी वो वो रिफ्लेक्शन बहुत क्विक होते हैं बट एक्शन बहुत लो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर इरीटेट हो जाते हैं ओवर टेंस हो जाते हैं जब भी उनको की प्रॉब्लम आती है एंड दे आर ऑलवेज वेरी समेसिव एंड वन ट्रैक माइंडेड और सारे प्रॉब्लम जो है सो मेंटल लेवल पे सॉल्व करते हैं लेस यूज ऑफ एनर्जी करते हैं ये जो लोग होते हैं वो मोस्टली बास्केटबॉल वॉलीबॉल एंड इवन लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स में भी ये लोग आपको देखने को मिलेंगे देन लास्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस सॉरी मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है आपका कार्डियोवास्कुलर वस्कुलरस मीन्स ये वो तो, ये जो है सो पांचों पांचों कंपोनेंट जिससे कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का मेजरमेंट किया जाता है ये कोई कितना फिट है कार्डियोवास्कुलर मस्कुलर इंडोरेंस क्या होता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ योर हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू योर मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी हार्ट एंड लंग की जो कैपेसिटी होती है एबिलिटी होती है मेरे वर्किंग मसल्स को जो वर्किंग मसल्स काम कर रही है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज उसको जो है सो ऑक्सीजन सप्लाई करना इसको एरोबिक फिटनेस भी बोला जाता है और जो इसकी मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी होती है उसमें जो है सो इनका काम होता है ऑक्सीजन पहुँचाना किसका हार्ट एंड लंग्स का देन कम्स मस्कुलर स्ट्रेंथ मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होती है बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आइदर अ ग्रुप ऑफ मसल और अ सिंगल मसल कैन जनरेट रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स और मसल और ग्रुप ऑफ मसल कैन जनरेट स्टर्म डैश मस्कुलर स्ट्रेंथ देन कम्स मस्कुलर इंडोरेंस जो मस्कुलर इंडोरेंस होती है वो कब यूज होता है जो आपका मस्कुलर इंडोरेंस मिलेगा तो मस्कुलर इंडोरेंस के लिए जो है सो एबिलिटी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट मसल और ग्रुप ऑफ मसल अगेंस्ट रेजिसटेंस जब भी जो है सो so एक मसल और ग्रुप ऑफ मसल किसी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट जो है सो so कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट इज टर्म डैस मस्कुलर इंडोरेंस बट दिस शुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टायरिंग दैट इज मस्कुलर इंडोरेंस बिना थके हुए कब तक जो है सो so मेरी मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं दैट इज टर्म डैस मस्कुलर इंडोरेंस टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो होती है हाइएस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट हाइएस्ट रेंज ऑफ मोशन हाइस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट इज टर्म डेज फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी क्या होती है जो हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स की जो हाइस्ट रेंज ऑफ मोशन है यानी मैक्म कहाँ तक वो टर्न हो सकती है दैट इज टर्म डेज फ्लैक्सिबिलिटी एंड लास्ट वन इज बॉडी कम्पोजिशन बॉडी कम्पोजिशन जो है सो so जो मैंने आपको वो समझाया था बी एम आई समझाया थाट इज वॉट इज बॉडी कम्पोजिशन बॉडी परसेंटेज ऑफ फैट बोन एंड मसल बॉडी इज टर्म्ड एज बॉडी कम्पोजिशन बॉडी कम्पोजिशन जो है सो परसेंटेज ऑफ फैट बोन मसल एंड अदर टिशूस इन द बॉडी ये जो है सो so हमारी फैट टू लीन बॉडी मास में जो है सो so इसकी जो रेसियो होती है दैट इज टर्म्ड एज बॉडी कम्पोजिशन सो दिस वॉ चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ ग्रेड इलेवन test measurement and evaluation in sports of physical education very soon we will upload other videos chapters also till then thank you all of you if you have any doubts do comment thank you once again